हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अविनाश, आई एम योर फिजिक्स कोच। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो हम पहले उस वीडियो में देखे थे कि वहाँ पर जो रिफ्लेक्शन हो रहा था एक ही मीडियम में हो रहा था, उसको हम रिफ्लेक्शन कहते थे। लाइट रिफ्लेक्शन के बाद सेम मीडियम में रिटर्न कर रहा था, इसीलिए इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल हुआ था। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो रिफ्रैक्शन का प्रॉपर्टी यहाँ दो मीडियम के बीच में हो रहा है, एक है म्यू वन एंड म्यू टू। म्यू वन है उसका रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स, म्यू टू है मीडियम टू का रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स। तो जब मीडियम चेंज हो रहा है रेयरर टू डेंसर, डेंसर टू रेयरर, रेयरर मीन्स जिसका डेंसिटी कम हो, डेंसर मीडियम का मतलब है उसका डेंसिटी ज़्यादा हो। जब एक रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम को जा रहा है तब उसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर इंसिडेंट एंगल जितना होगा, रिफ्लेक्शन में जो रिफ्लेक्टेड एंगल सेम हो रहा था, यहाँ पर रिफ्रैक्शन एंगल सेम नहीं। तो यहाँ पर हमने देखा जो रे इंसिडेंट यहाँ पर हो रहा है वो स्ट्रेट लाइन इस लाइन से नहीं जाकर थोड़ा डेविएशन हो जाता है ड्यू टू द डेंसिटी ऑफ मीडियम, जिसको जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के थ्रू हमें पता चलता है। तो इस तरह होता है हमारा रिफ्रैक्शन प्रोसेस। जो रिफ्रैक्शन का प्रोसेस है वहाँ पर भी दो लॉ हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियोज़ में, कि फर्स्ट लॉ है कि जो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका वैल्यू कितना होगा, तो रेशियो बिटवीन द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ ए कॉन्स्टेंट व्हिच इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सेकेंडली द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन वन प्लेन, सिमिलर टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑल्सो। Now we'll discuss about the refracting index. What is refracting index? Refracting index is a constant, is a term which determines the behavior of propagation of light. उसे हमें पता चलता है कि light एक medium से दूसरे medium जब light propagate होता है उसका behavior का changes कैसे होता है वो refracting index ही हमें बताएगा। Actual velocity of light, हमें पता है c is equal to C का वैल्यू कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कांस्टेंट वैल्यू है लाइट का वेलोसिटी इन वैक्यूम। तो हमारा यहाँ पर रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स का और एक डेफिनेशन आएगा, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ लाइट और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम भी, इसका अगर हम रेशियो ले जाएंगे तो एक रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स। जीरो म्यू एम, जीरो का मतलब हो जाएगा वो वैक्यूम से आ रहा है, एम एक और मीडियम को जा रहा है। अब देखेंगे इसका फार्मूला कैसे आएगा। फार्मूला ऐसे आता है कि अगर ये एक इंसिडेंट रे यहाँ पर इंसिडेंट हो रहा है तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स जो होगा उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स। यहाँ पर मीडियम है म्यू वन, म्यू वन में वेलोसिटी ऑफ लाइट अगर वी वन हुआ तो ये आ जाएगा सी बाई वी वन। रिफ्रैक्शन के बाद जो मीडियम पे जा रहा है वहाँ पर आ जाएगा सी बाई वी टू। तो इन दोनों का रेशियो अगर हम ले जाएंगे म्यू वन टू, इसका मतलब वन से टू को जा रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा आएगा, इसका रिवर्स होगा म्यू टू बाई वन। अगर टू से वन जा रहा होता तो ये हो जाएगा म्यू वन बाई म्यू टू। तो ये आ गया जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस। तो अब हम डिस्कस करेंगे जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, अगर एक रेक्टेंगुलर स्लैब के अंदर रे को प्रोपागेट करेंगे हम तो वहाँ पर रिफ्रैक्शन कैसे होता है। तो ये है कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब जो एक 3D ऑब्जेक्ट है, 3D ग्लास स्लैब है, यहाँ पर एक रे इंसिडेंट हुआ है इस पॉइंट पर, इसको कहते हैं इंटरफेस। ये एक इंटरफेस है, ये एक इंटरफेस है। इस इंटरफेस पर क्या हो रहा है, रेयरर टू डेंसर जा रहा है हमारा लाइट रे। इस इंटरफेस में क्या हो रहा है, डेंसर टू रेयरर जा रहा है। तो ये रहा इंसिडेंट रे, यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ, ये यहाँ आया, इसके बाद फिर से रिफ्रैक्शन होकर ये
इमर्जेंट, इसको हम इमर्जेंट रे कहते हैं। अगर रे जिस मीडियम से आया है उस मीडियम से फिर से लौट जाता है आफ्टर रिफ्रैक्शन, उसको हम इमर्जेंट रे कहते हैं। तो ये रहा हमारा इमर्जेंट रे। यहाँ पर एक टर्म आएगा, उसको कहते हैं लैटरल शिफ्ट। अगर इंसिडेंट रे पैरेलल टू इमर्जेंट रे हो जाएगा, हम जानते हैं कि दो पैरेलल लाइंस है, इसका जो स्पेसिंग है वो हर पॉइंट पर सेम होगा। ये परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइन, दैट्स व्हाई इट इम्प्लाइज दैट इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर, बट दे आर शिफ्टेड बाय सम डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द मिनिमम डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड लैटरल शिफ्ट। ये क्यों हो रहा है? या आया इंसिडेंट रे तो कौन सा डिरेक्शन में वो रे जाएगा? अगर रिफ्रैक्शन नहीं होगा इस डिरेक्शन से जाएगा, यहाँ पर डेविएशन नहीं होगा, इसीलिए इसका डिरेक्शन को हम इस तरह इंडिकेट करेंगे। रिफ्रैक्शन के बाद इस पॉइंट पर जो सेकेंड इंटरफेस है, यहाँ से फिर से इमर्जेंट होकर रे इनिशियल मीडियम को जा रहा है। तो इसको अगर हम वर्चुअली पीछे से उसको एक्सटेंडेड करेंगे, इनके बीच में एक डिस्टेंस हमेशा सेम ही रहेगा, उसको ही हम लेटरल शिफ्ट कहते हैं। तो अब हम देखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ए कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया। अगर एक से दो, दो से तीन मीडियम होगा तो कैसे रिफ्रैक्शन का हम बिहेवियर स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये एक मीडियम है म्यू वन, ये एक मीडियम है म्यू टू, ये एक मीडियम है म्यू थ्री। तो मीडियम वन से एक रे इंसिडेंट हुआ, यहाँ से रिफ्रैक्शन होकर फिर से और एक रिफ्रैक्शन हुआ, उसके बाद फिर से तीन बार रिफ्रैक्शन हो रहा है और लास्ट में इमर्जेंट होकर सेम मीडियम को चला जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे, पहला इंसिडेंट में जो एंगल आया वो है हमारा इंसिडेंट एंगल आई, रिफ्रैक्शन एंगल हो गया आर वन। ये जो आर वन हुआ ये नॉर्मल और ये नॉर्मल पैरेलल है, तो ये हो गया अल्टरनेट एंगल, सेम हो जाएगा। तो आर वन ये भी हो गया, ये भी हो गया आर वन। उसके बाद फिर से रिफ्रैक्शन इंटरफेस टू पे हो रहा है, तो ये हो जाएगा आर टू, ये भी हो जाएगा आर टू। सिंस एन टू एंड एन थ्री द टू नॉर्मल्स आर पैरेलल टू ईच अदर। देन थर्ड एंड द लास्ट रिफ्रैक्शन प्रोसेस द रे विल गो टू द सेम मीडियम, सेम इनिशियल मीडियम। सो ये एंगल हो जाएगा इमर्जेंट एंगल। हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं, इमर्जेंट एंगल इंसिडेंट एंगल के साथ इक्वल हो जाएगा क्योंकि वो सेम मीडियम पे है। तो यहाँ पर वो जो होल प्रोसेस का कंबाइन करके हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट इस इंटरफेस पे देखें हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या आएगा। जब m1 टू m2 जा रहा है रे, तो साइन i बाई साइन r1, ये हो गया इंसिडेंट, ये हो गया रिफ्रैक्शन एंगल, साइन i बाई साइन r1 हो जाएगा 1 म्यू 2। देन m2 से m3 को जा रहा है, तो ये हो जाएगा उसका इंसिडेंट एंगल, ये हो जाएगा उसका रिफ्रैक्टेड एंगल। सो यहाँ पर आएगा साइन ऑफ आर वन बाय साइन ऑफ आर टू, टू म्यू थ्री। लास्ट वन एम थ्री टू, फिर से वो जाएगा कहाँ पर? ओरिजिनल मीडियम से जहाँ से आया था वो, साइन ऑफ आर टू बाय साइन ऑफ ई, वेयर साइन ऑफ ई इज इक्वल टू साइन ऑफ आई, सिंस ई इज इक्वल टू आई। तो ये आ जाएगा थ्री म्यू वन। उसका हम कॉम्बाइन इफेक्ट देखेंगे कैसे, दोनों साइड को ये जो रेशियो है लेफ्ट साइड में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके राइट साइड को जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा रिलेशन ऐसा आएगा, साइन आई बाई साइन आर वन इंटू साइन आर वन बाई साइन आर टू इंटू साइन आर टू बाई साइन ई, और ये आएगा वन म्यू टू, टू म्यू थ्री, थ्री म्यू वन। हम पहले पढ़ चुके हैं वन म्यू टू को हम कैसे लिख सकते हैं। ये वन से टू जा रहा है, इसका मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ म्यू टू बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ म्यू वन, इसका रेशियो देगा वन म्यू टू। तो इसके जगह में हम लिख देंगे म्यू टू बाय म्यू वन। टू म्यू थ्री का मतलब होता है म्यू थ्री बाय म्यू टू, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
of medium 3 to absolute refractive index of medium 2, उस रेशियो को यहाँ पर लिख दे। वैसे ही 3 mu 1 को लिख सकते हैं mu 1 by mu 3। इसको लिखने के बाद दोनों साइड का कंपेयर करेंगे। यहाँ पर साइन आई है, साइन आर वन साइन वन ये कैंसिल हो जाएगा, साइन आर टू ये भी कैंसिल हो गया, साइन ई यहाँ पर साइन आई, सिंस ई इज इक्वल टू आई, साइन आई बाई साइन ई ऑल्सो कैंसिल हो जाएगा। तो ये भी हो गया वन, म्यू टू बाई म्यू वन, म्यू थ्री बाई म्यू टू, म्यू वन बाई म्यू थ्री ये भी हो गया वन। तो हमारा इसमें कंक्लूजन आता है कि हम कितने भी मीडियम को, हमारा अल्टीमेटली कॉम्बिनेशनल इफेक्ट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और जो साइन ऑफ एंगल का रेशियो, उसका आंसर आएगा वन। तो यहाँ पर एक और चीज़ को हम गौर करेंगे, वो है इस रिलेशन से, वो इस रिलेशन से हम देखेंगे। यहाँ पर हमने देखा म्यू टू बाई म्यू वन इंटू म्यू थ्री बाय म्यू टू इंटू म्यू वन बाय म्यू थ्री, ये वन आया। ये वन कैसे आ रहा है, म्यू वन बाय म्यू थ्री को हम लिख देंगे थ्री म्यू वन। अच्छा, ये जो आ रहा है म्यू टू बाई म्यू वन, म्यू थ्री बाई म्यू टू, यहाँ पर सेम क्वांटिटी कौन है, म्यू टू एंड म्यू टू, इसको कैंसिल कर देंगे। तो ये क्या हो गया, म्यू थ्री बाई म्यू वन, म्यू थ्री बाई म्यू वन को हम क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है म्यू वन बाई म्यू थ्री को थ्री म्यू वन लिखा है, यहाँ पर म्यू थ्री बाई म्यू वन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वन म्यू थ्री। तो यहाँ पर वो आ जाएगा वन म्यू थ्री, तो वन म्यू थ्री थ्री म्यू वन। इसका मतलब जब वन से थ्री को जा रहा है तब वन म्यू थ्री आएगा, जब थ्री से वन को जा रहा है, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, अगर इस डायरेक्शन से एक मिरर रख देंगे वो रे फिर से रिटर्न करके ऐसे ही जाकर यहाँ चला जाएगा, जैसे आया था वैसे ही चला जाएगा। इसका मतलब उसका रिवर्स इफेक्ट पड़ेगा, अगर ये नॉर्मल प्रोसेस है तो ये है रिवर्स प्रोसेस, अगर ये नॉर्मल प्रोसेस है तो ये है रिवर्स प्रोसेस। इसका मतलब ये हो गया वन म्यू थ्री को हम ऐसे लिख सकते हैं वन बाय थ्री म्यू वन इंटू थ्री म्यू वन, तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा आ गया कितना आंसर वन। इसलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल को हम गौर करेंगे, अगर तीन मीडियम है, एक एयर, वाटर एंड ग्लास, पहले अरे एयर से वाटर को जा रहा है, उसके बाद वाटर से ग्लास को, और फिर से ग्लास से एयर को। जब एयर से वाटर को जा रहा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होगा, ये रहा म्यू ऑफ ए, ये रहा म्यू ऑफ डब्लू, तो इनको कंबाइन करके कैसे लिखेंगे, तो म्यू ए बाई म्यू डब्लू को क्या कैसे लिखेंगे हम, डब्लू म्यू ए, तो ये आ गया डब्लू म्यू ए। वाटर से जब ग्लास को जा रहा है म्यू जी, तो इसको हम लिखेंगे जी म्यू डब्लू, और ग्लास से एयर को जब जा रहा है उसको लिखेंगे ए म्यू जी। कॉम्बिनेशनल प्रिंसिपल के अनुसार हम देखेंगे ये तीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका आंसर वन आएगा, इंटू जी म्यू डब्लू ए म्यू जी, हो रहा है कि नहीं हम देखेंगे। डब्लू म्यू ए का मतलब हो गया म्यू ए बाय म्यू डब्लू, जी म्यू डब्लू का मतलब हो गया डब्लू म्यू डब्लू बाय म्यू जी, और इसका हो गया म्यू जी बाय म्यू ए, तो ये आ गया हमारा वन। यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, ये दो को मिलाकर हम अगर देखें तो डब्लू म्यू ए जी म्यू डब्लू, तो इसको हम कैसे लिखेंगे कंबाइन करके, यहाँ पर डब्लू है यहाँ पर डब्लू है, तो इस डब्लू को हम निकाल देते, डब्लू म्यू ए इंटू
जी म्यू डब्लू, इसको हम रिवर्स करके अगर लिखेंगे डब्लू म्यू ए इंटू डब्लू वन बाय डब्लू म्यू जी। म्यू ए बाय म्यू जी का मतलब क्या है? जी म्यू ए, तो ये आया जी म्यू ए और यह यहाँ पर था ए म्यू जी। जी म्यू ए का रिवर्स हो जाएगा ए म्यू जी, तो आंसर आ जाएगा वन। अगर डायरेक्ट एयर टू ग्लास हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो उसका एक्सप्रेशन क्या होगा? डब्ल्यू म्यू ए इंटू जी म्यू डब्ल्यू, इसको हम फिर से कैसे लिख सकते हैं? डब्ल्यू म्यू ए, इसको लिखेंगे वन बाय डब्ल्यू म्यू जी, तो रेशियो हो जाएगा डब्ल्यू म्यू ए बाय डब्ल्यू म्यू जी। तो ये डब्ल्यू डब्ल्यू कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा म्यू ए बाय म्यू जी, जिसका मतलब हो जाएगा जी म्यू ए। तो ये रहा हमारा कैसे कॉम्बिनेशन करके हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालते हैं वेरियस मीडियम के थ्रू। तो अब हम डिस्कस करेंगे थोड़ा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल एक बीकर लेते हैं, बड़ा सा बीकर, उसमें हम पानी भर लेते हैं। टब के नीचे हम एक कॉइन और कोई भी छोटा सा ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो अगर डायरेक्ट परपेंडिकुलरली उस ऑब्जेक्ट को हम देखेंगे वो थोड़ा ऊपर दिखने लगेगा, थोड़ा सा जैसे नज़दीक आ गया है। ये क्यों हो रहा है? यहाँ पर वो पिक्चर को हम देखते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, वो छोटा सा ऑब्जेक्ट यहाँ पर डायरेक्ट नॉर्मली हम देख रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? जब यहाँ से देख रहे हैं और यहाँ से देख रहे हैं, दोनों में फ़र्क कितना होगा? यहाँ से कॉइन से क्या हो रहा है, जो रे इंसिडेंट होकर जा रहा है डेंसर टू रेयर अर्थ को, डेंसर हो गया ये अगर वाटर है, ये अगर एयर है, डेंसर टू रेयर अर्थ जा रहा है, तो यहाँ से ये एंगल हो गया इंसिडेंट एंगल, तो ये हो जाएगा क्या? रिफ्रैक्शन एंगल। हम एज्यूम करेंगे हमारा जो आँख में जो प्यूपिल है वो बहुत छोटा है, तो इस इफेक्ट को जानने के लिए ए और बी का बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होना चाहिए। इसका मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत कम होना चाहिए, दैट मीन्स ए ओ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बी ओ। यहाँ पर रिफ्रैक्शन लॉ को यूज करेंगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे आएगा? यहाँ डेंसर से रेयर एयर को जा रहा है, इसका मतलब डब्ल्यू म्यू ए वाटर से एयर को जा रहा है। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये आई कहाँ पर है? ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, आर है साइन ए आई बी। ये जो ए ओ बी, ये कौन से ट्रायंगल में हम निकालेंगे? ए ओ बी ट्रायंगल में ये है 90 डिग्री, ए आई बी ट्रायंगल में ये भी है 90 डिग्री, तो ये सिमिलर ट्रायंगल हो गया। सिमिलर ट्रायंगल में अगर एंगल का रेशियो निकालेंगे तो वो साइड का रेशियो के साथ इक्वल होगा। साइड का रेशियो कितना है? ए बी बाई बी ओ, ए बी बाय बी ओ, ए बी बाय बी आई। ये दो रेशियो जो आ गया, यहाँ पर ए बी कैंसिल हो गया, बी आई बाई बी ओ हो गया। ये जो बी आई है ये है रियल रे, ये है वर्चुअल रे। तो हमें जो ऊपर दिखने लगेगा, जो ऑब्जेक्ट नीचे है जो थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा वो ए पॉइंट पे आएगा, इसको हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो ये हो गया ए आई बाई ए ओ। इसको अगर हम उल्टा करके लिखेंगे, अगर इस डायरेक्शन से आ रहा होगा रेयर अर्थ टू डेंसर, तो ये हो जाएगा ए म्यू डब्लू ए ओ बाई ए आई। ए ओ को कहा जाता है रियल डेप्थ, रियल डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट, वाटर की जो इंटरफेस के लेवल से ग्राउंड लेवल तक। उसके बाद आ जाएगा ए आई अपर एंड डेप्थ, अपर एंड मतलब जिस हाइट तक वो शिफ्ट हो गया थोड़ा ऊपर, जो वर्चुअल पॉइंट है उसको कहते हैं अपर एंड डेप्थ। हमें निकालना है इस दोनों के बीच में रिलेशन। तो हम जो अजम्पशन लेते हैं ए ओ इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू बी ओ एंड बी आई अप्रोक्सीमेट इक्वल टू ए आई, तो यहाँ पर एक नॉर्मल शिफ्ट आ जाएगा। वो नॉर्मल शिफ्ट क्या है? अगर इस डिस्टेंस से इस डिस्टेंस को देखते हैं तो नॉर्मल शिफ्ट कितना हुआ? रियल माइनस अपरेंट, इसको हम अपरेंट डेप्थ कहते हैं। तो रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ कितना हो जाएगा? ए ओ माइनस ए आई, ए ओ
वैसा ही रहा। ए आई के जगह में कितना लिख सकते हैं, यहाँ निकालेंगे, ए आई इज इक्वल टू ए ओ बाय म्यू, ए म्यू डब्ल्यू मीन्स ए ओ बाय म्यू। तो यहाँ पर डाल देंगे इसको, ए ओ कमन चला गया, यहाँ पर आ गया वन माइनस वन बाय म्यू, ए ओ हम यहाँ पर मेंशन की है टी, टी इन वन माइनस वन बाय म्यू, ए ओ हम यहाँ पर मेंशन की है टी, टी इन होल ओवर होल इंटू वन माइनस वन बाय म्यू। तो डी हो जाएगा जो नॉर्मल शेप टी होल इंटू वन माइनस वन बाय म्यू। तो ये रहा हमारा नॉर्मल शेप एंड अपेरेंट डेप्थ इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आज हम जो पढ़े हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला प्रॉब्लम है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5 दिया गया है, उसका है वैल्यू है 1.5। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.3 एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें क्या निकालने के लिए बताया गया है, फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास में लाइट का वेलोसिटी कितना होगा हम निकालेंगे। तो हम पहले डाटा को लिख लेना चाहिए, ए म्यूजी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है 1.5 सी बाई वी जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर सी बाई वी डब्ल्यू 1.3। अगर उसका हम रेशियो ले जाएंगे तो आ जाएगा वी जी बाई वी डब्ल्यू 1.3/1.5। तो वी जी कितना हो जाएगा 1.3/1.5 × 2.25 × 10⁸, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1.95 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया वी जी का वैल्यू, मतलब द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, ए वेसल कंटेंस अप टू ए हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर। ये जो अपर एंड डेप्थ नॉर्मल डेप्थ नॉर्मल शिप के बारे में ये क्वेश्चन है। ए वेसल कंटेंस अप टू ए हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर, वाटर वाटर का लेवल ग्राउंड लेवल से 20 सेंटीमीटर के ऊपर है, यहाँ से और 20 सेंटीमीटर है अब ऑयल का लेवल है। तो ये दो डेंसर मीडियम यहाँ पर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया गया है, वाटर का है 1.33, ऑयल का है 1.3। हमें पूछा गया है कि फाइंड अपेरेंट डेप्थ ऑफ वेसल व्हेन व्यूड फ्रॉम अबव। वैसे ही हम जैसे मेजर कर रहे थे, यहाँ से अगर देखेंगे तो एक ये लेवल थोड़ा ऊपर देखने लगेगा, जहाँ पर दिखेगा उसको हम कहते हैं अपेरेंट, जो वर्चुअल पोजीशन है उसको ही हम कहते हैं अपेरेंट डेप्थ। उसको हम कैसे निकालेंगे, हमारा फार्मूला था डी इज इक्वल टू टी होल ऑफ होल इंटू वन माइनस वन बाई म्यू। तो यहाँ पर देखेंगे टोटल टी हो जाएगा हमारा 40 सेंटीमीटर, ये 20 हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। डी जो हमारा अपेरेंट डेप्थ है उसका फार्मूला हो जाएगा डी वन ड्यू टू दिस लेवल, डी टू ड्यू टू दिस लेवल। सो टोटल डेप्थ कॉम्बाइन करके अगर हम देखेंगे तो ये आ जाएगा डी वन का फॉर्मूला है टी वन वन माइनस वन बाय ए म्यू डब्ल्यू, ए म्यू डब्ल्यू मतलब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके बाद डी टू जो आएगा वन माइनस वन बाय ए म्यू ऑयल, ऑयल का ही 1.3। उसको हम कंबाइन कर देंगे तो जो डेप्थ हमें मिलेगा उसको ही हम कहेंगे कि यही है वो अपेरेंट डेप्थ। तो हम वैल्यू पुट कर दिया 20 1 माइनस 1/1.33, ये है वाटर का, 20 1 माइनस 1/1.3 ये ऑयल के थ्रू, तो ये आ जाएगा 30.4 सेंटीमीटर। तो ये एक नॉर्मल प्रॉब्लम है, उसके बाद हम डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम भी देखेंगे। तो आज का सेशन में हम जो रिफ्रैक्शन क्या है, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, और हमारा जो अपेरेंट डेप्थ, वर्चुअल पोजीशन ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ये सब हम डिस्कस किए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्फेरिकल सरफेस में कैसे रिफ्रैक्शन होगा, उसके बाद स्फेरिकल सरफेस को अगर कंबाइन करेंगे तो वो कैसे लेंस फॉर्मेशन करेगा, लेंस मेकर फार्मूला उसको हम देखेंगे। लेंस जैसे मिरर फार्मूला निकाल लेते उसी तरह हम लेंस का भी एक फार्मूला निकालेंगे। उसके बाद लेंस के थ्रू ऑब्जेक्ट का पोजीशन को चूज करके उसका इमेज कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, इमेज का बिहेवियर कैसा है, उसका नेचर कैसा है, वो सब धीरे धीरे
देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।